बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। साहब, आपसे कोई मिलने आया है? उनसे कहो कोर्ट के टाइम में हम चैम्बर में किसी से नहीं मिलते। चैम्बर में ही नहीं, घर पर भी मिलने आऊंगा जज साहब, लेकिन इस कत्ल के मुकदमे के बाद। कौन हो तुम? अरे तुम जाओ भाई, हमारी इनसे पुरानी जान पहचान है, जज साहब ने पहचाना नहीं। जाओ। ठीक है सर। समय अच्छे अच्छों की शक्लें बिगाड़ देता है सिन्हा साहब, लेकिन अपनी तो शक्ल के साथ नाम भी बिगड़ गया है। बलवंत सिंह से बल्ली हो गया हूं। तो तुम वही बलवंत हो जिसे हमने अपनी अदालत में 14 साल की सजा दी थी? बिल्कुल वही जज साहब, एकदम सही पहचाना। जज साहब याद है जिस दिन आपने इस बदनसीब को 14 साल की सजा सुनाई थी, मैंने आपको अपनी बेसहारा बीवी और मासूम बच्चे की जिंदगी का वास्ता देकर कहा था कि जज साहब इस सजा के बोझ को हल्का कर दीजिए, लेकिन आपने साफ मना कर दिया था और आपने कहा था कि अगर आपकी अपनी औलाद कटघरे में आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप उसे भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे, है ना? बाप की अदालत में बेटा कातिल बनकर आ चुका है जज साहब, ऊपर वाले की अदालत में इंसाफ हो चुका है, अब आपकी अदालत में इंसाफ का तमाशा मैं देखूंगा। मैं इंसाफ का तमाशा मुजरिम नहीं देखते बलवंत, मुजरिम सिर्फ सजा पाते हैं। हाँ बलवंत, जिसे तुम हमारा बेटा समझकर हम पर हंसने आए हो वो हकीकत में हमारा नहीं, तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा? हाँ तुम्हारा बेटा, जिसे तुम्हारी बीवी हमारे घर पर छोड़ गई थी। खुद तो बेचारे भगवान को प्यारी हो गई है और उस बाप के बेटे को हमारे दरवाजे पर छोड़ गई है जिसे उसी रोज मैंने कत्ल के जुर्म में सजा दी थी। अगर यकीन ना हो तो पुलिस का रिकॉर्ड जाकर देख लो बलवंत। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आज से पहले हमारे सिवा किसी को मालूम नहीं था। आप उसे सजा नहीं देंगे जज साहब, क्योंकि मुजरिम वो नहीं, मुजरिम मैं हूं। मुजरिम कौन है ये सबूत की बुनियाद पर देखते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आज फिर आपसे रहम की भीख मांगता हूं जज साहब। रहम? बस इतना रहम काफी है कि अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर देखने से पहले हवालात में जाके मिलो उससे, वरना यह भी वक्त निकल जाएगा। मैं उसे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ने दूंगा, मैं अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ने दूंगा। जज साहब गंगाराम, ये बात सुन लीजिए, आप मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा सकते, ये सरासर नाइंसाफी है जज साहब। ए तुमसे कोई मिलने आया है? जी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूं बेटा। मेरे पास आओ बेटा, 22 साल के बाद इन आंखों ने अपनी औलाद को देखा है। देखो, अच्छी तरह देखो, देख लो कि हम दोनों में सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, तकदीर का भी रिश्ता है। बाप कत्ल के जुर्म में सजा काट चुका है और बेटा कत्ल के जुर्म में अपनी सजा काटने का इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे, ये खून तुमने नहीं किया, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। आप कैसे जानते हैं कि मैं बेकसूर? क्या आप बेकसूर थे? क्या आपने कत्ल नहीं किया था? किया था मैंने कत्ल, लेकिन अपने जुर्म की सजा भी पाई थी। जेल से निकलने के बाद मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। अगर तुम दोनों मुझे मिल जाते तो मैं जुर्म और बुराई की गहराइयों में कभी लौट के नहीं जाता, लेकिन अपनी बर्बादी का बदला लेने की धुन में मैंने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ला खड़ा किया। इस कत्ल के पीछे भी मेरा ही हाथ है बेटा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे मुझे माफ कर दो। माफी और सजा अगर मेरे हाथ में होती तो आप जैसे लोगों को मैं ऐसी सजा देता जो किसी दुश्मन ने
अपने दुश्मन को भी न दी हो आज तक। मैं जो भी हूं तुम्हारा बाप हूं बेटा। बाप? बाप तो क्या, आप इंसान खिलाने के लायक भी नहीं। जज सिन्हा अगर मेरी सजा में जरा सी रियायत कर देता तो तुम्हारी मां की आस कभी ना टूटती, लेकिन उस जालिम ने ज्यादा से ज्यादा सजा देकर। कुछ मत कहिए उस देवता जैसे इंसान को। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी हस्ती की वजह से, और अगर आपने उनसे कुछ कहा तो आप जैसे इंसान का बेटा कहलाकर जीने से तो अच्छा है कि मैं कातिल कहलाकर फांसी पर चढ़ जाऊं। आप चले जाइए यहां से, चले जाइए। अली सेठ, तू मुझे हमेशा मौत की धमकी देकर धमकाता रहा, लेकिन आज आज मैं तेरी मौत बंद कर आया हूं। काय छुपाए बाहर निकल। अगर दो मिनट में तूने नहीं बोला तो तेरी लाश बोलेगी, समझा? सुरेश, बोल। रॉकी का बोल। रुक जाओ सुरेश, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं शंकर, नहीं, इधर आ। मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा। तुम इसकी क्रियाक्रम का इंतजाम करो, मैं इसकी जिंदगी को अंजाम देता हूं। गोली मारनी है तो मार लो, मगर एक सांस भी बाकी रही तो फांसी का फंदा मेरे भाई के गले में नहीं, तुम्हारे और रॉकी के गले में होगा। जिस आदमी को फांसी के फंदे से बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में आए हो, तुम्हारा तो भाई है लेकिन मेरा तो बेटा है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा क्योंकि बल्ली ने आज तक कभी सच नहीं बोला, लेकिन लेकिन यह सच है कि जिंदगी भर जो दूसरों के लिए फंदा तैयार करता रहा, आज वही फंदा मेरे बेटे के गले में पड़ गया है। यकीन नहीं आता तो ये लो रिवॉल्वर और उतार दो इसकी सारी गोलियां मेरे सीने में, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। वो कातिल नहीं है, कातिल रॉकी है। रॉकी कहाँ है? मैं बताता हूं, आओ मेरे साथ। ये रहा सुरेश। दीपक, अच्छा हुआ तू आ गया। दीपक, तुम और बाबू कोर्ट जाओ और डैडी को रोको कि वो भैया के खिलाफ फैसला ना सुने। प्रेमा का कातिल रॉकी है, भैया नहीं। मैं और बली से आजाद मिल जा रहे हैं। ठीक है सुरेश। बल्ली सेठ, तुम बेटे बहुत जल्दी बदलते हो, इस बार मैं बाप ही बदल दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। अगर मैं कुछ देर वापस नहीं आया तो तुम ऊपर आ जाना। तुम दिखे नहीं तो क्या करता? अब मैं क्यों दिखने लगा बली सेठ? तुम्हारी आंखों ने वो नजारा देख लिया है जिसके लिए तुम
बरसों से तड़प रहे थे। मैं समझा नहीं। लेकिन अक्लमंद को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो आग तुम्हारे सीने में सुलगी थी ना, उसका धुआं यहां पर पहले से ही आ गया है। क्या मतलब? शंकरा, तुमने क्या देखा, क्या सुना, जरा इनको बताओ। कोई जरूरत नहीं, इस नमक हराम की गद्दारी पर मुझे पूरा भरोसा है, और तुम कितने बड़े नमक हराम हो ये भी मुझे आज पता चल गया। जिस तरह कुत्ते की नजर हड्डी पर रहती है, उसी तरह तुम्हारी नजर मेरी दौलत पर है। मैं वो कुत्ता हूं जो हड्डी छीन कर खाता है। तेरी हड्डियां तो मैं बाद में चबाऊंगा, पहले उस हराम ज्यादा सुरेश की पोटियों को मैं नोचूंगा। कहां है सुरेश? कहां है सुरेश? अकलमंद एक बार धोखा खाता, बार बार नहीं। इस दुनिया की सारी अकल मेरे हिस्से में आई। प्रेमा का खून मैंने किया, लेकिन उसका इल्जाम तुम्हारे भाई राजू के सर पर लग गया। कहो, मेरी चाल कामयाब हुई कि नहीं? अस्पताल के धमाके में कोई और मारा गया था, तेरी बुलबुल को मैंने बचा लिया था ताकि मौके पर इस्तेमाल कर सकूं, और अब यहां से भागने में ये मेरी हिफाजत करेगी। चल।
ये तुमने क्या किया? आज ही तुम्हारा बेटा दीपक की सफाई की वजह से कानून की गिरफ्त से बचा है। जज साहब, एक गुनहगार मरने से पहले एक अच्छा काम तो कर गया। राजू, मैंने तुम्हारी परवरिश तो जरूर की है, लेकिन तुम्हारे बाप ये है। बेटा, एक बार मुझे गले लगा लो। बेटा, मुझे माफ कर दो पिताजी। Thank you.